सबसे पहले बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मॉडलिंग क्या होते हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर हो अगर नॉन जीरो इनिशियल कंडीशन के साथ तो उसको कैसे मॉडल किया जाता है। देखिए हमारे पास रेजिस्टर होता है ना, V इज इक्वल टू आई आर, रेजिस्टर का फॉर्मूला ये V इज इक्वल टू आई आर। अगर दोनों तरफ का लैपलास ले दिया जाए तो यहां V ऑफ S इज इक्वल टू I ऑफ S इंटू R, R कांस्टेंट है ना, तो V ओवर I किसके अगर बना R के, ठीक है, V ओवर I इज इक्वल टू R, जिनके इसको सिंपली R से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह अगर कैपेसिटर हो तो कैपेसिटर में क्या होता है, I इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। इसी तरह V इज इक्वल टू वन बाय सी इंटीग्रल ऑफ I डी टी, इसका अगर लैपलास ले लें V ऑफ S इज इक्वल टू वन ओवर सी, ऐसे ही आ जाएगा, इंटीग्रल है आई ऑफ एस ओवर एस, आई ऑफ एस ओवर एस जो था यहां इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है, आई ऑफ एस ओवर एस जहां लिखा हो तो एस जो है सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, वी ओवर आई उस तरफ, आई उस तरफ गया तो डिवाइड हो गया, वी ओवर आई इज इक्वल टू सी एस, ठीक है। वोल्टेज और करंट की रेशियो किसके इक्वल होती है, वन ओवर सी एस की। इसी तरह इंडक्टर होता है, इंडक्टर में V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, तो इसमें दोनों की तरफ का लैपलास लेंगे तो V ऑफ S इज इक्वल टू एल एस आई एस आ जाएगा, ठीक है। जब एल एस उस तरफ जा, आई एस उस तरफ जाके डिवाइड हो गया तो यहां पे सिंपली एल एस रह जाएगा। अच्छा ये देखें, ये जितने भी किए हैं दोनों तीनों हमने सारे जीरो इनिशियल कंडीशन के साथ किए हैं, क्योंकि देखें लैपलास ट्रांसफॉर्म जो है डी आई बाई डी टी का होता है एल एस माइनस आई ऑफ जीरो, यानी कि इनिशियल कंडीशन हमने नहीं किए ना। लैपलास ट्रांसफॉर्म देखें ना, अगर वाई ऑफ टी का हो, वाई ऑफ टी का तो वाई ऑफ एस होता है, अगर वाई डैश ऑफ टी का हो तो एस वाई ऑफ एस माइनस वाई ऑफ जीरो होता है, y ऑफ जीरो होता है। जैसे यहां पे देखें, इसमें i ऑफ जीरो भी हमें ऐड करना चाहिए था, यहां पे माइनस i ऑफ जीरो, इसी तरह यहां पे अगर देखें तो i ऑफ जीरो भी ऐड करना चाहिए था। हमने ये जो कंडीशन किया है, हमें अज्यूम किया है कि शुरू में इंडक्टर या कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, जब शुरू में कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू जीरो पुट कर दें। अब इसको देखें, इसका लैपलास r के इक्वल है, इसका लैपलास 1 ओवर सी एस के इक्वल है, इसका एल एस के इक्वल है, वोल्टेज और करंट का रिलेशन V इज इक्वल टू आई आर के इक्वल होता है। इसी तरह यहाँ पे इंडक्टर के कैपेसिटर के केस में I इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी के इक्वल होता है, इस तरह इंडक्टर के केस में V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी के होते हैं। अगर V की इक्वेशन हो तो फिर हम I के निकाल सकते हैं, इसी तरह I की इक्वेशन हो तो हम V के निकाल सकते हैं, V हो तो हम I निकाल सकते हैं ना, दोनों में से कोई एक इक्वेशन हो दूसरी हम उससे फाइंड कर सकते हैं। जैसे R इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी है, ये डेरिवेटिव है, ठीक है, वो करंट जो है वोल्टेज का डेरिवेटिव है, तो वोल्टेज क्या होंगे, करंट का इंटीग्रल, वोल्टेज क्या होंगे, करंट का इंटीग्रल, इधर C मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर C क्या आ जाएगा, डिवाइड होगा। इसी तरह वोल्टेज करंट, वोल्टेज जो है करंट का डेरिवेटिव है, वोल्टेज करंट का डेरिवेटिव है तो करंट क्या होगी, वोल्टेज की इंटीग्रेशन, इधर L मल्टीप्लाई हो रहा है उधर L के जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, सही है। अच्छा अगर हमारे पास इंडक्टर हो और जीरो इनिशियल कंडीशन हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा, और अगर कैपेसिटर हो तो उस केस में जीरो इनिशियल कंडीशन हो तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इंडक्टर देखते हैं, अगर इंडक्टर की मॉडलिंग करनी हो और जीरो इनिशियल कंडीशन हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करें, देखते हैं। इंडक्टर में होता है V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी क्या है, यानी कि ये करंट का फर्स्ट डेरिवेटिव है, करंट का फर्स्ट डेरिवेटिव है, जब इसका लैपलास लेंगे तो एस आई एफ एस माइनस आई एफ जीरो आ जाएगा। आई एफ जीरो कौन सी है, जो इनिशियल स्टेट के ऊपर उसकी करंट है, यानी कि जो इनिशियली उसके अंदर करंट स्टोर्ड है वो वाले करंट है। आई एफ एस आई एफ एस माइनस आई एफ जीरो आ गया, जब एस आई एफ एस आई एफ जीरो आ गया तो ये क्या आ जाएगा, इस केस में एल अंदर मल्टीप्लाई होगा, एल अंदर मल्टीप्लाई क्योंकि एल डी आई बाई डी टी है ना, लेकिन एल बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब एल इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एल एस बन जाएगा, जब एल इस आई नॉट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एल आई नॉट बन जाएगा, ठीक है। एस एल आई एफ एस ये तब होता है जब इनिशियली कोई करंट इसके ऊपर स्टोर नहीं होती,
जब इसके ऊपर कोई करंट स्टोर हो तो माइनस एल आई नॉट जो है इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये जो इनिशियल करंट इसके अंदर स्टोर होती है। इसकी डायग्राम देखते हैं कि किस तरह बनती है। अब ये देखें, यहां पे आप देखें कि ये वोल्टेज है, वोल्टेज किस तरह जी एस एल, एस एल के साथ माइनस, ये देखें ना, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, उल्टा लगाया हुआ है ना, उल्टा लगाया हुआ एस एल माइनस, देखें एस एल माइनस एल एल एस एस के साथ मल्टीप्लाई हो गया माइनस एल आई नॉट, एल के साथ एस एल के साथ ये आई नॉट आ गया माइनस एल आई नॉट, एल आई नॉट का हमने एक अलादा सोर्स बना दिया, ये एल आई नॉट, ये आई नॉट के लिहाज से चल रहा है, ये सिंपली करंट के लिहाज से चल रहा है, तो ये आई एफ टी है तो आई एफ एस बन जाएगा, एस एल आई एस बन जाएगा ये ओवरऑल, तो ये नेगेटिव टर्म के साथ माइनस एल आई नॉट बन गया, ठीक है, ये माइनस एल आई नॉट ये वाला नेगेटिव करंट वोल्टेज, सॉरी ये आ गया। इसी तरह अगर इसका करंट का मॉडल देखें तो एल एस सिंपली आ गया, ठीक है, एस एल सिंपली आ गया और साथ में एल आई नॉट है तो आई नॉट बाय एस आ जाए। अब देखें असल हमारा सर्किट ये था ना, एस एल माइनस एल आई नॉट, एस एल के साथ आई एस मल्टीप्लाई हो रहा है, वही वाली करंट मल्टीप्लाई हो रहा है, और माइनस एल आई नॉट ये कहां से आया, इस वाली इनिशियल करंट एस एल ये वाला, उसके साथ आई एफ टी आई एफ एस मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस एल आई नॉट, ये आ गया। अब देखें ये अगर सीरीज में है तो इसका पैरेलल इक्विवेलेंट हम क्या कर सकते हैं, थेवेनिन से नॉर्टन में जब ड्यूल थ्योरम्स निकालते हैं उसकी मदद से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें जब सीरियस थेवेनिन इक्विवेलेंट, ये इसको ये आपके राइट लेफ्ट साइड वाला थेवेनिन इक्विवेलेंट है, इसको हम नॉर्टन इक्विवेलेंट कहते हैं। देखिए इसका इक्विवेलेंट जो है इसकी, ये इसकी रेजिस्टेंस है और ये इसके वोल्टेज है, ठीक है, रेजिस्टेंस या इंपीडेंस बिल्कुल एज इट इज आ जाती है, वोल्टेज रिप्लेस हो जाते हैं करंट से, जब वोल्टेज करंट से रिप्लेस होते हैं तो करंट आई इज इक्वल टू वी ओवर आर होती है, करंट आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, वी वोल्टेज ये हो गए और आर ये हो गई, इससे डिवाइड करें इस वोल्टेज को, ठीक है, इस रेजिस्टेंस से डिवाइड करें एल आई नॉट माइनस सॉरी एल आई नॉट डिवाइडेड बाय एस एल, ठीक है, एल और एल कैंसिल हो जाएगा तो आई नॉट बाय एस आ गया, जैसे देखें आई इज इक्वल टू वी ओवर आर होता है ना, अगर यहां करंट फाइंड करनी है तो आई इज इक्वल टू वी ओवर आर कर लिया या वी ओवर जी कह लेना, वी ओवर जी कर लिया तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंपीडेंस, वोल्टेज इसके ये है इंपीडेंस की ये है, एल आई नॉट डिवाइडेड बाय एस एल कर दिया, एल और एल कट गए और आई नॉट बाय एस आ गए, ठीक है। मॉडलिंग देखते हैं कैपेसिटर की अगर नॉन जीरो इनिशियल कंडीशन हो तो फिर कैसे की जाती है। देखिए कैपेसिटर के केस में फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू सी डी वी बाय डी टी, डी वी बाय डी टी वी ऑफ वी, डी वी बाय डी टी क्या वोल्टेज का फर्स्ट डेरिवेटिव है, इस फर्स्ट डेरिवेटिव का अगर हम लैपलास ले एस वी ऑफ एस माइनस वी ऑफ जीरो बनता है, एस वी ऑफ एस माइनस वी ऑफ जीरो आ गया। अब इस केस में देखिए साथ में सी मल्टीप्लाई होगा, सी मल्टीप्लाई होगा तो एस सी माइनस सी वी नॉट हो जाएगा, ठीक है, ये किस चीज की इक्वेशन है, करंट की है, तो करंट का मॉडल बनाएंगे ना, करंट का पैरेलल इक्विवेलेंट मॉडल बनेगा या सीरीज इक्विवेलेंट मॉडल बनेगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट होती है पैरेलल में ना, तो पैरेलल इक्विवेलेंट मॉडल बनेगा क्योंकि सीरीज में वोल्टेज सेम होते हैं। तो इस पे देखें यहां पे क्या है, एस एस सी माइनस सी वी नॉट, ठीक है, वन ओवर एस ही आ गया, लेकिन ये वोल्टेज और करंट है ना, तो वोल्टेज और करंट के लिहाज से अगर वी ओवर आई फाइंड करें तो ये वन ओवर एस ही उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो वी इधर आके क्या आ जाएगा, आई इधर आके मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो वन ओवर एस ही आ गया और माइनस क्या आ गया, सी वी नॉट। माइनस कैसे आया, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऊपर गया नीचे की तरफ है, तो इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, ऊपर की तरफ आ जाएगी, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहां पे ये माइनस का साइन यहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। वैसे भी कैपेसिटर का क्या होता है,
लैपलास 1/CS होता है, इंडक्टर का क्या होता है LS होता है, ठीक है। यहां से इसको रिप्रेजेंट कर दिया, अब ये नॉर्टन है, इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाएंगे, तो जो इंपीडेंस होती है वो एज इट इज रहती है, 1/SC एज इट इज रहा। ये करंट है, करंट से वोल्टेज निकालने हैं, तो करंट से वोल्टेज निकालने कैसे निकाले जाते हैं, V इज इक्वल टू आई इंटू जी, आई की वैल्यू ये है सी वी नॉट, और जी क्या चीज है 1/SC, सी वी नॉट को 1/SC से मल्टीप्लाई किया तो सी और सी कैंसिल हो गए, तो यहां पे क्या आ जाएगा V नॉट बाय S, ठीक है। इस तरह इसका पैरेलल इक्विवेलेंट से सीरीज इक्विवेलेंट बना सकते हैं, अगर सीरीज हो तो हम पैरेलल बना सकते हैं। सीरीज इक्विवेलेंट हमें मिलता है जब वोल्टेज की इक्वेशन हो, और शंट या पैरेलल इक्विवेलेंट हमें तब मिलता है जब करंट की इक्वेशन।